All legends are backbencher. हेलो गाइस, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में मेनली चार पार्ट होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, फोर्थ होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, इसकी हम अगर सबकी बेस की बात करें तो इन सब का बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। बेस का मतलब हुआ कि इसके अंदर डिजिट कितने होते हैं। और उसके बाद में आते हैं कि रेंज, रेंज मतलब डिजिट कि डिजिट कौन कौन सी आएगी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होगी, पहला होता है 0 और दूसरा होता है 1, जो कंप्यूटर में नॉर्मली 01 01 01 होता है वो यही होता है 0 1 1 0 जो भी है। उसके बाद में ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं, वो होते हैं 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये टोटल 8 डिजिट हो गए 0 मिलाकर। और डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं 10 डिजिट, वो होते हैं 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट होते हैं, वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका 9 के बाद में होता है 10 11 12 13 14 and 15। पर हम 10 को ए लेके मानते हैं, जैसे 10 11 12 13 14 15 तक होता है, 15 हो गया, 15 1 16 16 डिजिट हो गया। तो यहाँ पे 10 की जगह पर हम ए लिखते हैं, यहाँ ए, 11 की जगह पे हम बी लिखते हैं बी, 12 की जगह पर हम सी लिखते हैं, 13 की जगह पर हम डी लिखते हैं, 14 को ई एंड 15 को एफ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 टू एफ होता है, मतलब कि 0 से लेकर 10 की जगह पर ए लिखते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि 10 को हम ए बोलते हैं, 12 को बी बोलते हैं, 13 को सी बोलते हैं। इसकी वैल्यू वही होता है, ए की वैल्यू 10 होती है, पर 10 नहीं लिखा जाता, उसे हम लिखते हैं ए, ए से डिनोट करते हैं कि हमें बाइनरी नंबर दे दिया होगा, उसे बोलेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलो, या फिर डेसिमल नंबर दिया रहेगा उसे बाइनरी में चेंज करना होगा, बाइनरी टू ऑक्टल चेंज करना होगा, या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल चेंज करना होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक दूसरे में चेंज करना होगा, तो हम वो सीखते हैं कि चेंज कैसे करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज किया जाते हैं, कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल चेंज करने के लिए क्वेश्चन, जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि 101 ऐसा दिया रहेगा और हमें चेंज करना है डेसिमल में, ये बेस है, बेस से पता चलेगा किसमें चेंज करना है। जैसे 2 है तो मतलब कि बाइनरी नंबर ही है, बाइनरी नंबर को चेंज करना है डेसिमल में, डेसिमल में 10 बेस है इसका, तो डेसिमल में चेंज करना है। इसके लिए जो हमारा मेन ट्रिक होता है, वो ये ट्रिक नहीं, जो जैसे बनाते हैं वो मेनली ये होता है कि पीछे से स्टार्ट करना है, जैसे कि 1 × 2 की पावर 0 प्लस सेकंड डिजिट, 2 × 2 की पावर 1 प्लस थर्ड डिजिट, 1 × 2 की पावर 2, मतलब इधर से 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इधर से लिखते रहना है, आगे जितने भी होंगे उतना सब 2 की पावर एक एक बढ़ाते रहना है। उसके बाद में इस जो ऊपर हुआ इसका, इसको नीचे वाले डिजिट से गुणा कर देना है, सब बाकी सबको फिर जोड़ देना है। तो जैसे 2 की पावर 0 2 की पावर 0 × 1 ये होता है 1, और 2 की पावर 1 × 0 कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा,
उसके बाद 2 की पावर 2 4 होता है, 4 इंटू 1 4, तो 4 एंड 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, तो 101 को हम डेसिमल में 5 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, 1 1 0 1 1, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, इसे हम चेंज करना है डेसिमल नंबर में, तो इसे चेंज करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि 2 की पावर 0 1 2 4 8 16, एक दूनी 2, दो दूनी 4, चार दूनी 8, आठ दूनी 16, इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि ये हो गया कि 2 की पावर 4 हो गया, ये 16 होता है, 2 की पावर 3 हो गया वो 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है। ऐसे डायरेक्ट हम गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 2, प्लस यहाँ पे 0, प्लस यहाँ पे 8, प्लस यहाँ पे 16, इसके बाद में 8 है 2 10, 10 है 10, 16 26 27, इसे हम 27 लिखते हैं डेसिमल में, 1101 को डेसिमल में हम 27 लिखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं दशमलव वाला, कि डेसिमल वाला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 1001.101, ये नंबर है बाइनरी का, इसे लिखना है डेसिमल में, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें तो सिस्टम इसका था कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, पर जब ये डेसिमल है, डेसिमल के इधर जाना है, तो 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 2 एंड 2 की पावर माइनस 3 लेके जाते हैं। अब इसका क्या होता है कि इसका 2 की पावर 0 तो होता है 1, 2, 4, 8, नॉर्मली ऐसा होता है, पर 2 की पावर माइनस 1 क्या होता है, जैसे कि 2 की पावर माइनस 1 मतलब कि 1 बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है, और इसका होता है 1 बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 की वैल्यू तो 0.25 एंड 1/8 की वैल्यू होती है 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, इसका 0.5, इसका हो गया 0.25, इसका हो गया 0.125। अब आते हैं क्वेश्चन में कि इसका इससे गुना किए तो आ गया 1, इसको इससे गुना किए 0, इसको इससे किए 0, इसको इससे किए तो 8 आ गया, 8 into 1 8। उसके बाद में इधर का देखना है, तो 0.25 को 0 से करेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, 0.5 को 1 से करेंगे तो 0.5 प्लस 0.25 को 1 से करेंगे तो 0.125, इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा कि इसको 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 जोड़ेंगे तो आएगा 0.625 है, 0.625 इधर आ गया 9, 8 प्लस 1 होता है 9, तो इसका जो मेनली जो आंसर आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में वो आएगा 9.625। ये नंबर टू डेसिमल नंबर कैसे चेंज करते हैं, अब हम सीखते हैं कि डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कैसे चेंज करते हैं। तो हम जो पहला क्वेश्चन लिए थे उसी से स्टार्ट करते हैं, उसका जो 5 आया था, तो जैसे कि 5 है, 5 का बेस 10 है, मतलब डेसिमल नंबर में है, इसे हम चेंज करेंगे बाइनरी नंबर में, तो बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 5 को इस तरह से बेस 2 है बाइनरी में चेंज करना है, इसलिए 2 से भाग कर देंगे, तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 रह गया, शेष पर 1 रह गया, उसके बाद फिर से 2, 2 एकम 2, यहाँ पे रिमाइंडर 0 रह गया, तो नीचे से लिखते हुए स्टार्ट करना है, नीचे से लिखते हुए स्टार्ट करना मतलब कि नीचे पहले 1, उसके बाद में 0, उसके बाद में 1, ये आ गया। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है कि जैसे कि 105.25 है, इसका बेस 10 है, बल्कि डेसिमल नंबर है, अब डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो
बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए पहले तो दशमलव के इधर वाले को 105 है, इसे हम तोड़ लेते हैं। तो दो पांच दूनी 10, दो दूनी 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 0, फिर 2 से, 13 दूना 26, रिमाइंडर 0, फिर 2 से, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 1, फिर 2 से, 3 दूनी 6, रिमाइंडर 0, फिर 2 से, 2 एकम 2, रिमाइंडर 0, यहाँ पे 1 आ गया, 1 से फुल स्टॉप कर देना है। उसके बाद में आता है कि 0.25 है, तो जैसे 0.25 है, इसको हम 0.25 को 2 से गुना करेंगे, गुना करने के बाद आता है 0.50, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर आएगा 1.00, यहाँ दो डिजिट है तो मेरे लिए हम दो डिजिट के में आंसर देंगे। तो जो पॉइंट के बाद आता है, पॉइंट के इधर वाले को, इधर 0 आया, इधर 1 आया, इसको लिख देते हैं। तो जैसे कि 105 है, इसका क्या आएगा, नीचे से ऊपर तक जाना है, 1001001 पॉइंट। अब इधर ऊपर से नीचे जाना है, इसका ऊपर से नीचे जाना है, तो आया 01। होप आप लोगों को समझ में आ